हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखेंगे राम जी के हॉरोस्कोप के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राम जी के हॉरोस्कोप में लगभग सारे प्लैनेट एग्जल्टेशन में थे, उच्च भाव में थे। क्या यह सही है? कुछ ज्योतिषों का मानना है कि राम जी का जो हॉरोस्कोप था उसमें चंद्र वृष राशि में जो एग्जल्टेशन होता है ऐसा नहीं था, चंद्र था उनके कर्क राशि में बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति के साथ चंद्र इकट्ठे रहने से गुरु चांद्री योग बनता था, जो कि एक महान पर्सनालिटी, एक महान नेता, एक महानायक का अभ्युदय हुआ था। तो राम जी थे ऐसे थे कि माने दूसरों का दुख जो है वो फील कर सकते थे। श्री कृष्ण का हर एक अवतार दूसरों की तकलीफ, दूसरों के दुख और दूसरों के जो फीलिंग्स हैं उसको फील कर सकते थे। ये बहुत बड़ी बात है, उसको फील करना और रियलाइज करना और उसको रिफ्लेक्ट करना, ये सिर्फ और सिर्फ राम जी में ही था। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, राम जी का साधना करके, राम जी का जो स्पिरिट है, जो महान आत्मा है, उनके साथ जो मेरा संपर्क है, उससे जो मैंने थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त किया है उससे मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैंने फील किया है, जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है स्पिरिचुअल ट्रैक पर, ना कि जो आपके वेद वेदांत या पुराणों में लिखा गया है। देवता कैसे होते हैं, देवताओं की आरा कैसा होता है, मैं उसको फील किया हूं और आपको बताऊंगा ये कैसा होता है। राम जी की आरा को जब मैंने रियलाइज किया, फील किया, तो मुझे मालूम पड़ा वो कितना दूसरों का मन की बात कितना पढ़ सकते हैं और कितना अच्छी तरह से उसको रियलाइज करके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मुझे अजीब लगा जब मैंने ये रियलाइज किया कुंडलिनी के जरिए, कुंडलिनी साधना करके मैं बहुत दिन मेरा हो गया है, और मैं लगभग 15 साल की उम्र से ये कुंडलिनी साधना करता आ रहा हूँ। तो एक दिन अचानक, हाँ, मैं राम जी का कोई भक्त नहीं हूँ, ना कि मैं राम जी का कभी कोई साधना ढंग से किया था। एक बार ही सिर्फ राम जी का जाप किया था, वो सिर्फ 7 से 10 हज़ार तक से, और 7 से 10 हज़ार बहुत ही कम साधना होती है। हर एक मंत्र का लगभग 1 लाख तक जाप होता है, तंत्र हो या वेद हो, सब में हर एक मंत्र का लगभग 1 लाख तक जाप होता है। और राम जी के बारे में आपको मैं बता रहा था ना, हम रिटर्न टू राम जी। सो राम जी जब भी उनका जो ऑरा आपके ऑरा माने आपके ऑरा से टकराएगा, आपको एक सिर्फ शांति के अनुभव नहीं होगी, आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो कितना डिवोटेड है हर एक आदमी के लिए, उनका भक्त के लिए सिर्फ नहीं, हर एक आदमी के लिए वो कितना डिवोटेड है। ये उनके हॉरोस्कोप भी रिफ्लेक्ट करता है। जब उनके असेंडमेंट में ही गुरु चांद्री योग ऐसा बेनिफिशियल योग, दोनों शुभ ग्रह एक साथ, वो भी लग्न में, हाँ, उनके सारे ग्रह एग्जाल्टेड थे। राम जी के हॉरोस्कोप जैसा एक और एक कोई भी हॉरोस्कोप हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण जी का हॉरोस्कोप, श्री कृष्ण जी भी एक महान आत्मा से और 16 कलाओं से युक्त थे। राम जी थे 14 कलाओं से युक्त। ये कला क्या है? एक्टिवेटेड न्यूरल सिस्टम।
16 कलाउन से मतलब लगभग 100% एक्टिवेटेड न्यूरल सिस्टम, 14 कलाउन मतलब उससे कम एक्टिवेटेड न्यूरल सिस्टम। श्री कृष्ण जी का जो फीलिंग था यूनिवर्स के बारे में वो एब्सोल्यूट था, वो जानते थे कि क्या होने वाला है। ये नहीं कि राम जी भी नहीं जानते थे, राम जी भी जानते थे, पर उनका जो है आदमी के प्रति सद्भाव और जो फीलिंग्स को बांटना इतना ज्यादा था। मैं समझता हूं उनके हॉरोस्कोप में जो गुरु चंद्र योग लग्न में है शायद इसलिए होता होगा। और जो सारे ग्रह एग्जाल्टेशन, आपने शायद कृष्ण जी का हॉरोस्कोप देखा होगा, सारे ग्रह एग्जाल्टेड नहीं है, बहुत सारे केंद्र कुणाधिपति जो है एक दूसरे का हाउस एक्सचेंज किए हुए हैं, पर राम जी के हॉरोस्कोप में सारे ग्रह एग्जाल्टेशन में है और सारे ग्रह पावरफुल है। देखिए सारे ग्रह मतलब फिफ्थ लॉर्ड पावरफुल थे, उनके बेटे भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उनका जो सेवेंथ हाउस था, सेवेंथ लॉर्ड सटर्न शनि जो है वो फोर्थ हाउस में है। सेवेंथ हाउस किसको इंडिकेट करता है? सीता मैया को। और सीता जी की जो हॉरोस्कोप का स्ट्रेंथ, सीता जैसा एक बेनेवोलेंट मतलब एक मैग्निफिसेंट वोमन इस दुनिया में कभी आई होगी ये तो मुझे पता नहीं, पर उनके जैसा बेनिवोलेंट वोमेन मतलब दूसरों की तकलीफ को फील करता हुआ एक लाइफ में चलते हुए दूसरों की लाइफ को भी वो फील कर सकते थे और उसको रिफ्लेक्ट करते थे लाइफ में, एक अलग चीज है। और इसलिए सटर्न उनका भी एग्जाल्टेड था। उनके पिताजी जो दशरथ थे नाइन्थ हाउस एग्जाल्टेड, इसका मतलब है दशरथ जी कितना पावरफुल है ये सोचा रहा है। ऐसा ही देखिए आपका उनके हॉरोस्कोप में एनिमी शत्रु सिक्स हाउस का लॉर्ड है, वही जुपिटर। जुपिटर वो भी एग्जाल्टेशन में है, वो भी केंद्र कुणाधिपति योग मतलब गुरु और मंगल जो है, मंगल एग्जाल्टेशन में है मकर राशि में और गुरु एग्जाल्टेशन में है कर्क राशि में, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। इसके मतलब कि उनका जो शत्रु भी था वो भी राजयोग में पैदा हुए थे। उनका कोई भी रिलेशन, आप राम जी का कोई भी रिलेशन को लीजिए, उनका भाई सब एग्जाल्टेशन में है। भाई का हाउस एग्जाल्ट मतलब सारे जो हॉरोस्कोप है टोटल हॉरोस्कोप में लगभग सारे हाउस एग्जाल्टेशन का मतलब सारे जो आपके चारों ओर जो जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं तो रिलेटिव शत्रु को भी रिलेटिव मानता हूँ, जितने भी रिलेटिव्स हैं शत्रु है या आपका फ्रेंड सर्कल है सभी बहुत ही पावरफुल थे। सिर्फ फाइनेंशियल या सोशली पावरफुल नहीं, उनका जो आत्मबल था सबका वो भी पावरफुल था, दुर्बल नहीं थे वो। तो जैसा देखा गया है हॉरोस्कोप में आपको सारे ग्रह एग्जाल्टेशन और एक दूसरे के साथ रिलेशन, शन भी एग्जाल्टेड, फाइनेंस का लॉर्ड जो है वो एग्जाल्टेशन में टेंथ हाउस में है प्रोफेशनल हाउस में, और जितने भी फाइनेंस है वो उसको क्या करते थे कि प्रोफेशन मतलब उनके काम में लगा देते थे और उसको मतलब जनसाधारण की सेवा में लगा देते थे उनका सारे फाइनेंस को। ये राम जी की खासियत है कि मैं सबसे बड़ी खासियत जो मैंने फील किया है वो है कि वो मेरा भी दुख दर्द को समझ सकते हैं, शेयर करते हैं और सभी का मतलब उनके जितने भी राज्य के लोग थे उन सबका वो फीलिंग्स को अपने अंदर ले आते थे, ये सबसे बड़ी बात है। सबके फीलिंग्स को, हर एक, वो एक पंडित था उसका फीलिंग, वो एक भिखारी था उसका फीलिंग, सबके फीलिंग को अपने अंदर लाके उसको रिफ्लेक्ट करके काम करते थे, जो कि आजकल की नेता करना चाहिए। क्या करते हैं? तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में देखेंगे और एक महापुरुष के बारे में।